Everybody, আজকে আমি এখানে হাবিবের হয়ে পারফরম্যান্স করছি কিন্তু সবথেকে বড় কথা আমাদের সাথে আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যিনি গডফাদার মিস্টার হাবিব আহমেদ আছেন যিনি আপনাদের কাছে একটা হেয়ার কাট দেখাবেন আমরা স্যারকে পেয়েছি আমাদের সাথে এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য আজ 50 ইয়ার্স ধরে উনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে নাম করেছেন এবং আমাদের এই হেয়ার ইন্ডাস্ট্রি স্যালন ইন্ডাস্ট্রিকে ওনাকে আমরা গডফাদার হিসেবে জানি তাই আজকে আপনাদের সামনে Mr. Habib Ahmed ke ami introduction karachi sir welcome please আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন স্যারের কাছে হেয়ার কাট করার জন্য কারণ এটা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে স্যার নিজের হাতে একটা হেয়ার কাট দেখাবেন তাহলে আপনারা কেউ ইচ্ছুক থাকলে ডেফিনেটলি স্টেজে আসতে পারেন ওয়েলকাম ম্যাডাম প্লিজ কাম হিয়ার ওমে দেয়ো অ্যানাদার লেডি জো আর আচ্ছা উনি শুধু বল রাহে দোনো কো কর দিগে স্যার স্যারের সামনে থাকো ডাকো 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 मुझे एक चेयर चाहिए नो इनको गीले करो सर इट सामने था स्प्रे बॉटल वो को था वही मेटा को था चेयर दे कटिंग शीट निकालो कटिंग शीट तो नहीं है कटिंग शीट दो ना ये तो बैनर हाँ ओके वाटर स्प्रे वाटर स्प्रे प्रमोद वाटर स्प्रे दा वाटर स्प्रे स्प्रे एक तो नहीं है शो स्प्रे बॉटल उन दिके कुछ दिके नाउ एंड नाउ शी हैज ऑलरेडी लॉन्ग हेयर आई एम कटिंग हेयर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मैं आपको बताऊं लेकिन एक समस्या हमेशा आती है कि फीमेल इंडिया के अंदर दे ऑलवेज से कि मेरे को स्टाइल बना दीजिए बट डोंट कट माई हेयर शॉर्ट दैट इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम बिकॉज आई फील व्हाट आई फील के हेयर स्टाइलिंग हेयर कटिंग की बात कर रहा हूँ खाली हेयर कटिंग इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हेयर कटिंग हाउ ब्यूटीफुली यू कट योर हेयर सो दैट आपके बालों से आपके शक्ल को फ्रेम हो जाता है द होल थिंग यहाँ पर इसको बालों से फ्रेम करना जो है उसको हम लोग हेयर कट बोलते लेकिन जब यहाँ पर लंबे बालों का ट्रेडिशन है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ हेयर कटिंग हमारे कल्चर के अंदर फीमेल के लिए है ही नहीं लेकिन फिर भी जब हम बाल काटते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप द लॉन्ग हेयर एज वेल एज टू फ्रेम द फेस विद द हेयर यहाँ पर मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आप लंबे बाल भी रख लीजिए लेकिन उसके साथ साथ हाउ ब्यूटीफुली यू कैन फ्रेम द फेस विद द हेयर दूसरे एक बड़ी ब्रीफ के अंदर मैं बात करता हूँ वहाँ पर वो ये कि आज हम जो बाल काटते हैं वहाँ पर इसकी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती आपको सेट विद द रोलर करने की और इसके अंदर बैककॉमी करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोमा ऑन द इंटरनेशनल लेवल ये देखा गया है कि ऑल फीमेल आज के ज़माने के अंदर There is no any female who can have a housewife status. Every female has to work, and when they work, they have to look after the family. They have to look after the husband, the children, everyone. So thus, वहाँ पर in spite all this thing, वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास time नहीं है, तो हम style नहीं कराएंगे वहाँ पर. The question is, please. Question is. कि हाउ आप ऐसा स्टाइल करते हैं जो घर में जाने के बाद में आफ्टर द शैम्पू दे विल हैव टू जस्ट ब्रश इट एंड नथिंग एल्स नाउ
and the cut duration of the cut should be 6 to 8 weeks time now. उसके साथ साथ में मैं एडवांस की बात नहीं करूँगा बिकॉज एडवांस के अंदर आपका हाईलाइटिंग आ जाता है वहाँ पर रीबॉन्डिंग आ जाता है और दूसरी चीज़ें बट हेयर आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द हेयर कट वे यू कैन फ्रेम द फेस विद द हेयर एंड यू कैन स्टिल कीप द कैन कीप द लॉन्गर लेंथ नाउ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन बिफोर द हेयर कट वी ऑलवेज कीप वी ऑल शैम्पू शैम्पू द हेयर एंड हम पहले ज़माने में ऐसा नहीं करते थे पहले ज़माने के अंदर क्या होता था कि हम पहले बाल काटते थे बाद में शैम्पू करते थे और कई दफ़ा नहीं भी करते थे शैम्पू करते थे लेकिन अब हम जो बाल काटते हैं वो वी ऑलवेज कट अकॉर्डिंग द नेचर हेयर जो आपके बालों का नेचर है हम उसके मुताबिक ही बाल काटते हैं उसके अगेंस्ट हम बाल नहीं काट सकते दस वहाँ पर एक ये देखा गया है कि काफ़ी लोग पहले कहते थे आप पम्प करा लीजिए आप स्ट्रेटनिंग करा लीजिए अब इसकी ज़रूरत नहीं होती क्लाइंट आपका चाहे वो काम वो है स्ट्रेटनिंग कराए पर्म कराए या ना कराए द हेयर स्टाइलिंग ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द हेयर सोमा अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द हेयर दस हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा पहले शैम्पू करते हैं और शैम्पू के बाद में हमको ये पता लग जाता है कि बालों का रियल टेक्चर क्या है बाल कितना कर्ली है बाल कितना सीधा बाल है वहाँ पर एंड देन आफ्टर द शैम्पू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम हेयर कट कैसा करते हैं अब जब मैंने आपको बोला तो यहाँ पर मैंने शैम्पू नहीं किया है बिकॉज देयर इज नो टाइम देयर इज नो तो आई विल जस्ट वेट द हेयर शी हैज़ ए नॉर्मल हेयर टेक्चर इट्स अ वेरी गुड हेयर टेक्चर इसके अंदर हाईलाइटिंग किया गया है इसमें सब कुछ किया गया है Now, give me the water spray, please. Water spray. Water spray. Now, यहाँ पर शैम्पू नहीं किया गया है लेकिन हम बालों को वेट करके तब काटेंगे इसको सोमा वाटर स्प्रे Now, she has a very good texture. अब एक बात और होती है काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारे बाल should be as long as possible. There were several questions जो people have in their mind, वो अपनी मर्जी से अपने बालों को देखना चाहते हैं पर ऐसा नहीं है Suppose कोई अगर ये सोचे कि मेरे बाल इतने लंबे हो जितना के बहुत लंबे हो जाएं बाल लेकिन आपको नेचर क्या अलाउ करती है आपको नेचर अलाउ ये करती है कि जब तक आपके बाल इन द सेम थिकनेस फ्रॉम द रूट टिल द एंड्स इज ए हेल्दी हेयर When you start getting thin, straggly hair, it should be cut it off. So, वहाँ पर आप क्या चाहते हैं और आपको नेचर क्या अलाउ करती है ये भी बड़ी मेन बात होती है वहाँ पर क्योंकि और हर एक बालों को आपके हर एक 6 हफ्ते के बाद बालों को कट जाना चाहिए देर आर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ द हेयर कटिंग इज फ्रॉम 4 to 6 weeks टाइम वाई इट इज 4 to 6 weeks टाइम दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन बिकॉज बाल जो बढ़ते हैं वो आपके आधे इंच से 1 इंच 1 महीने में बढ़ते हैं तो जिनके बाल आधे 1 इंच बढ़ते हैं इसका मतलब 4 हफ्ते अदरवाइज 6 weeks टाइम नाउ देन सेकेंडली एक और क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं आपके बालों को स्प्लिट एंड नहीं होना चाहिए मैंने बहुत बड़ा ज़माना देखा है जब मैं इंग्लैंड से आया जब हिंदुस्तान की हेयर स्टाइलिंग वॉज वेरी बैकवर्ड कोई नहीं एहसान करता था फीमेल बाल नहीं कटाना चाहती थी जूड़ा बनते थे वहाँ पर करने के लिए और एक सबसे बड़ी समस्या होती थी वो है स्प्लिट एंड की बात करते थे हम लोग नाउ उस ज़माने में स्प्लिट एंड की जो इलाज करते थे वो कंडीशनर लगाते थे और उसके बाद में उसको स्टीम देते थे वहाँ पर बहुत कुछ करते थे दैट इज जब हमने साइंटिफिक स्टडी के अंदर देखा उसका ये इलाज नहीं है नाउ हर एक हेयर has to be trimmed every after 4 to 6 weeks time. और अगर ये बाल आपके इस टाइम करते हैं तो आपका स्प्लिट एंड कभी नहीं होगा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पहले इन लंबे बालों को कैसे मैं फेस को फ्रेम करूँगा देन आई कट द लॉन्गर लेंथ नाउ बिकॉज यहाँ शैम्पू नहीं किया गया है तो इनके बाल गीले कर रहे हैं वहाँ पर न
नाउ इन हेडसिंग एवरीथिंग इज देयर. जब आप स्प्रे करते हैं उसका भी ये ऐसा नहीं होता, यहाँ से करेंगे आप, यू हैव टू बी लाइक दिस. द वाटर शुड स्प्रेड ऑन द हेयर, इट शुड नॉट गो ऑन द फेस एंड नॉट कवरिंग द एरिया विच डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग. नाउ Now give me the scissor comb. Now you need one comb. Comb is also required, something very thicker side of the comb now. If the hair is very dry, very curly, what you should do it now, because वहाँ पर आप बालों को तोड़ देते हैं, अगर आपको वो knot को निकालते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि in that case after the shampoo, we always shampoo before the haircut. After the shampoo, you must apply the conditioner and conditioner नहीं निकालिए, पहले हेयर कट करके तब उसको निकालिए, तब आपका बाल कोच नहीं टूटेगा और इट विल गिव यू अ हेल्दी लुक ऑन योर हेयर नाउ. ओके, गिव मी द सीजर. स्टार्ट कर सकती हूँ? ये लोग आधा घंटा स्टोर देगा. नहीं, मैं अपनी मेकअप स्टार्ट कर सकती हूँ? नहीं, करूँगी. अटेंशन, ठीक है, ठीक है. नाउ this is your comb. clip mere ko pakadte rehna. Now always, I always take it center parting and very roughly divide the hair from the thicker side area, and then I'll take it this part. Now when you are doing a haircut, हम लोग ये ख्याल करते हैं कि आपकी हेल्थ भी सही रहे और क्लाइंट शुड नॉट फील अनकम्फर्टेबल, बिकॉज क्लाइंट देन वी टॉक अबाउट द पोस्चर ऑफ द पर्सन व्हेन यू आर वर्किंग. आपको झुकना नहीं चाहिए, नो एनी प्रेशर शुड कम ऑन द बैक बोन, एंड ऑल्सो यू शुड वेयर द शूज विदाउट हील. आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और क्लाइंट व्हेन दे आर सिटिंग ऑल्सो Client should be sit like this and just neck should be here. Not like this, not like this. Because agar aisa karte hain to uski health pe farak padta hai. Now we have a quite limited time here, but I like to show you very peacefully only the haircut. The cosmetology is a very big subject. There are so many subjects in now. We talk about the highlighting, we talk about the rebonding, all this thing. But I think ek bade peaceful time ke andar ek hi job possible hogi is the band dikhane ke liye. यहाँ पर मैंने किया, देखिए, व्हेन मैंने इन बालों को वेट किया और द क्लाइंट इज सिटिंग लाइक दिस, साइड इज लाइक दिस, साइड इज लाइक दिस. नाउ द वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे मेरे को दो, मेरे को. नाउ यू विल सी द क्लाइंट नेक इज दिस साइड एंड आप यू विल टेक द हेयर फ्रंट एरिया ओनली. Front area is calculated very well with the ear and now. कई दफ़ा आप ज़्यादा काट दे तो यू नो एवरीथिंग हैज ए बैलेंस इन द हेयर कटिंग नाउ एंड इट हैज ए वेरी साइंटिफिक स्टडी के अंदर ये मैथमेटिकल और ज्योमेटिकल सिस्टम आता है. देन आप यू विल स्वीप ऑल द हेयर फॉरवर्ड, यू विल स्वीप ऑल द हेयर फॉरवर्ड, टेक दिस अबाउट एन इंच एरिया. And you take always cut this area this way. मैं कहने का लिटल थोड़े से बाल काट दूँ आपको आगे से. Then I'll cut this area and I'll cut this part. Now, I'm taking all the hair forward. और फिर आपकी ये पॉलिसी होती है कि आप कम अज़ कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ क्लाइंट को नज़र नहीं आती, बट हाउ यू कैन मेक ए मैक्सिमम मनी बाई मिनिमम टाइम के अंदर, दैट शुड बी योर पॉलिसी. नाउ व्हेन आई डूअर दिस एरिया माई मॉडल इज माई क्लाइंट इज देयर एंड मैंने इसको दोनों को स्वीप किया
एंड ये जो बाल काटे थे मैंने इसको यहाँ से काट दिया नाउ आई एम कटिंग हियर देन आई एम टेकिंग दिस पार्ट कंटूरटा दे एंड मैंने इसको फर्स्ट से लेयर से काट दिया अब मैंने इसको एक इंच काटा है लेकिन जब ये एक इंच बॉडी ऊपर चली जाएगी बल्कि ज़्यादा जाएगी तो लेंथ इज द सेम देन आई कट दिस पार्ट आई फील इन इंडिया द वेस्टर्न वर्ल्ड इज मच मोर नॉलेजेबल टेक्निकली about the hair and the beauty. So they don't have a so many questions from the operator. But हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आपको बहुत कुछ उनको समझाना पड़ता है आप अगर बाल ज़्यादा काटेंगे because you have to show the result. And result you should be very smart to brain the wash of the people now when you cut the hair because I'm talking to you as a hair stylist now. I have to show the result on the face while I'm keeping the longer length, while I'm judging the thing now, and then I'm showing the result, because jaise hi wo karta hai, aur is haircut ko, after shampoo, what you do it now, you will have to just brush it and leave it. You don't have to set it now. Now, I have cut this area. And I'm sweeping up, and I'm cutting with the stuff what I have already cut it down. White powder. Highlighter, highlighter. Now I'm जब मैं हम लोग काटते हैं तो हमारी सेक्शन का एक एरिया होता है वी शुड टेक द सेक्शन ऑफ हाफ एन इंच टू थ्री क्वार्टर ऑफ एन इंच कॉन्टोर पाउडर उससे ज़्यादा आप लोगे तो वो एंगल आपका ख़राब हो जाता है इट्स वेरी डीप वर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेयर कटिंग इट्स ए मैथमेटिकल एंड ज्योमेटिकल सिस्टम ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है जो कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसका मतलब है क्या तो This I'm cutting only the back area which I started from there, bus. अब आपका फाइनल स्टेज है ये बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि जब मैंने बोला था आई विल फ्रेम द फेस विद द हेयर आई हैव ऑलरेडी डन इट एंड आई विल कनेक्ट दिस एरिया बोथ टुगेदर
Now, this is the main area jisko one has to understand properly. Now, this area, when you take it, it is the final area. And I'll take this part in the center. I would divide the hair from the center, have taken up all this area. And यहाँ पर मिस दोनों एरिया को मिला देता हूँ. This area दोनों को मिला देते हैं आप. Then you take this part. आप दोनों एरिया को मिला देते हो उसको. आप इन दोनों एरिया को मिला देते हो. एंड अब आप इस दोनों देखिए, अब देखिए क्लाइंट यहीं पर बैठा है आपका. एंड यू मैंने इसको यहां किया, इसको यहां किया. एंड फाइनली पार्ट आई एम टेकिंग ऑल हेयर फॉरवर्ड, all hair forward, and I'm cutting this part with the, this part. Okay. The same thing you will do this side. ये एरिया मैं काट रहा हूँ उसके साथ में, जो कि मैंने पहले बाल इनके बाल काटे थे. एंड देन दिस एरिया, ये दोनों एंड को आप मिला देते हो बस. ये आप दोनों एंड को मिला देते हो. হাইলাইটার কাকে বলে, এটা কন্টুর বলে. এন্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল অ্যাঙ্গেল হোয়াট আই এম ডুইং নাও. ও সরি, अब माय हेयर कट इज कंप्लीट नाउ. माय हेयर इज कंप्लीट नाउ. एंड देन आप फाइनली छोड़ो उसको, घुमा दो. अब आपने देखा कि मैंने ये छोटे काटे, आई फ्रेम द फेस, आई केप्ट इट लॉन्गर, बट द फाइनली आई कनेक्ट विद दिस पार्ट नाउ. फाइनली वी चेक हेयर के विट इज के हमने कोई बाल छोड़ तो नहीं दिया. देन हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमने से कोई गलती तो नहीं हुई है. एंड देन आप इसको बराबर कर देते हो जो भी है. तो ब्रश देना, स्टाइलिंग ब्रश दीजिए. अब आपने देखा कि ये एरिया सीध, यू कैन ब्रश इट फॉरवर्ड लाइक दिस, यू कैन ब्रश इट दिस वे, यू ऑल्सो कैन ब्रश इट दिस वे, यू ऑल्सो कैन ब्रश दिस वे. सी द लुक, द फ्रंट आई कट इट नाउ एंड द टोटल लुक हैज कम, द बैक इज लॉन्गर. यू ऑल्सो कैन टेक दिस साइड,
You can take this side, you can take all back, you can do it all front also like this. See. Yeah. So this is the haircut what I showed you. My first time demonstration in Calcutta, although I keep coming here quite often now. My cosmetic is there. And then I have introduced one product now because hum log, there's a fashion color. And fashion color wo hota hai jo ke aapke natural baalu se hatke hota hai. Hindustan ke andar jo fashion color hota hai, whether it is a male or female, वो रेडिश कलर होता है आपने देखा जिसको हम लोग चेस्टनट ब्राउन बोलते हैं और रेड ब्राउन बोलते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर ये सारे कलर आपको केमिकल से हो जाते हैं लेकिन आई हैव डेवलप मेहंदी जिसके अंदर हम लोगों ने 12 हर्ब मिलाए हैं और अगर वो है ना वो मेहंदी आप बालों पे लगाते हैं तो आपको वही फैशन कलर मिलता है कि जो कि आप केमिकल से ले सकते हैं बिकॉज वन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल विद द केमिकल Although chemical doesn't harm, but chemical dries your hair so much. After that, आपको condition लगाना पड़ता है. आपके बाद उसकी teeth होती है. काफी लोग कहते हैं मेरे बाल damage हो गए. Damage is not right word. Only because the hair की nature होती है और hair की nature तीन type की होती है. वो ये कि oily hair, dry hair, normal hair. जब आप chemical इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये बाल और dry हो जाते हैं. आपके बालों के अंदर तीन लेयर होती हैं बालों के अंदर आउटसाइड लेयर कॉल क्यूटिकल जब आप इसके ऊपर कोई ब्लीच लगाएंगे या कलर लगाएंगे तो उससे क्यूटिकल खुल जाता है और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द शैम्पू यू ऑलवेज यूज़ अ कंडीशनर एंड लोगों को बोलेंगे और अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आपकी जो बाल हैं वो अब ड्राई हो गए डैमेज नहीं हुए और इसके अंदर आप इसको कंडीशनर लगाएंगे और जो भी कुछ करेंगे सो दैट इट वॉज़ ए लिमिटेड टाइम in demonstration but I showed the haircut so that professional people can take the advantage and can give the better result than before because as everybody want every female want the haircut is longer thank you very much indeed now you will see the demonstration of the beauty part and I love Calcutta people I love India but aap jao badi khoobsurat baat hai ki every part of the state when you go People have a different culture, different languages, different everything so different. It's very fascinating now. I have done my 18 courses from all over the world. Russia se kiya, France se kiya, USA se kiya, yahan par Hong Kong, Bangkok, Singapore, sare ko dekha hai. Lekin hamare Hindustan ke andar jo jagriti ab aayi hai, maine kabhi nahi socha tha ki ye meri lifetime ke andar aisa ho jayega. But now it has given a beautiful future for younger generation. But whether you talk about the beauty, you talk about the hair, it is not possible to understand very well without training background. We have a school here where you can go and subject called cosmetology. The complete scientific study of the hair called cosmetology, which has a 17 subject. Because the same subject is all over the world. You talk about the Australia, Canada, USA, UK. वहाँ पर nobody can work until they are basically qualified. Here anybody can work. But they have to complete 17 subject to cover it now. They have to give exam to the government so that they are allowed to work and they get the license to work like this. हमारे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हमारी country is the second largest population in the world and it's a beautiful future for younger generation. But they can उसमें चार चांद आप जभी लगा सकते हैं जब आप qualified हो जब आप लोगों को गाइड करें देखिए आप लोगों को चेंज करेंगे आपकी ड्यूटी है ये वो बड़ी ख्वाहिश लेके आपके पास आते हैं लेकिन आप कितना चेंज कर पाते हैं यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वेदर यू स्पीक इंग्लिश यू स्पीक हिंदी यू स्पीक बंगाली वट एवर इट ना बट हाउ यू कैन वॉश द ब्रेन ऑफ द पीपल एंड शो द रिजल्ट ऑफ योर गुड हेयर कट After that, now I'm sure we will keep coming and we'll talk to you about the more chemical services also like this, which didn't need knowledge now. Thank you very much indeed. I love all of you. Now somebody, ye below dyeing karenge yahan par. Dekhiye, acha ek minute, zara brush dena, koi hai? Pink blaster. Inko ek no, ye nahi. Inko brush karne ki zaroorat hai yahan par. Dekhiye. इनको यहाँ पर यू विल जस्ट ब्रश इट दिस वे
ये दूसरा ब्रश है जिसमें एंगल पड़ जाते हैं, यू कैन टेक दिस वे, यू ऑल्सो कैन टेक इट दिस वे, इन वन हेयरकट यू कैन हैव अ फ्यू डिफरेंट लुक ऑलवेज लाइक दिस, कीप चेंजिंग, sit in front of the mirror so that you can have a change now, sometimes this side party, sometimes this side party, take it all back, take it forward. So I think the total look, how I can look the better, how I can look beautiful what I am now, you can fulfill the demand of the people now. Thank you very much indeed. ठीक है, अब ट्राई करो, अब तुम्हारा काम शुरू होता है, you do it now, okay? ओके क्योंकि मॉडल रेडी होने के बाद आपके साथ थोड़ा डांस करेंगे. ओके फाइन. ओके सर क्या कैसे याद दो. हेलो एवरीबॉडी, हमारा फर्स्ट मेकअप लुक टा होए गया छे. এখানে আমি যে প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করেছি, এখানে মিক্স এন্ড ম্যাচের উপরে আমি প্রোডাক্ট ইউজ করেছি, ববি ব্রাউন, হুডা, মেকআপ স্টুডিও, ইউরোপ গার্লস, এটা দিয়ে এটা আমি চটজল দিয়ে অনলি 30 মিনিটসের মধ্যে করেছি. বাট যখন আমরা ব্রাইডাল করতে যাব, এই কাজটাই আমরা একটু ধরে করব এবং এই কাজের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট দিয়ে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কীভাবে গ্লো আনা যায়. ব্লাশারে আমি ইউজ করেছি ববি ব্রাউনের ব্লাশার অ্যান্ড কন্টোরিংয়ের জন্য ম্যাকের যে পাউডার কন্টোরিং. কন্টোরিং আপনারা দু রকমেরই প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারেন, ক্রিম কন্টোরিং অ্যান্ড পাউডার কন্টোরিং, যেটাই রয়েছে. বাট কখনো আপনার কাছে হয়তো হাতে কম টাইম থাকলো, সেই জন্যে কিছু প্রোডাক্ট মার্কেটে ডিফারেন্ট জায়গায় কিনতে পাওয়া যায় যেগুলো মেইনলি ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট আছে মেকআপের জন্যে, যার খুব চোয়ার জলদি রেজাল্ট চলে আসে এবং এটা অনেকক্ষণ অবধি স্টে করে. আমি যেমন এখানে আই শ্যাডোতে যেটা ইউজ করছি, এটা হুডার একটা আই শ্যাডো প্যালেট, যার মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপের প্রোডাক্ট রয়েছে, এটা আপনারা মার্কেটে কিনতে পারবেন বা অনলাইনে অর্ডার করলেও পারবেন. হুডার এখানে এটার মধ্যে অলরেডি সিমার ফিনিশিং, আপনাকে এক্সট্রা আলাদা করে লাগাতে হবে না. ब्रश करना भी एक आर्ट होता है, प्रॉपरली हाउ यू कैन डू द ब्रश नाउ, बिकॉज सिंपली लंबे बालों के अंदर जब आप ब्लोड हैंग करते हैं तो यहाँ फ्लैट हो जाते हैं, हर एक कोई शिकायत होती है कि ये बॉडी, तो जब आपने यहाँ ब्रश लगाया, पुट द ब्रश अप एंड टर्न इट डाउन, यू पुट द ब्रश इनटू द रूट्स, पुश इट अप एंड देन टर्न इट लाइक दिस, तो बॉडी वहाँ पर होगी. वहाँ पर देखिए हमारी पूरी हेयर कट से बॉडी आ जाती है, बिकॉज अगर आप छोटा बाल काट देंगे तो आप अगर छोड़ देंगे उसको वैसे खड़ा हो जाता है. इसका मतलब ये है कि बॉडी रूट्स के अंदर बॉडी ज़्यादा होती है. सो दस हम लोगों ने इस एंगल से काटा कि बॉल इसके बॉडी अपने आप आएगी, बिकॉज द रूट्स नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टर्न द एंड ओनली दिस वे और दैट वे, बस दैट्स ऑल. उठा रहे हैं आके तो इट विल बी मोर बॉडी इन द टॉप. नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? आई एम श्योर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन and they are doing haircut, any question to ask about all this thing now? Dekha aapne jaise and you turn the end only properly. Hello, hello. Ah, 5 minutes. Lipstick ta diye de. Blusher ta de. Sir, time over ho gaya hai. I know.
I finished my work, but now whatever it is now. Soma? Haan, sir. Wo keh rahe time ho gaya. Haan, sir, ho gaya. Okay, do it now. Take a one. Ho gaya. Pink lipstick ka barka. Very good. Very good, yes. Tatari kore dilagi idhar. इसके बाद में वॉक करेंगे बस खत्म ये हटा दो ये हटवा दीजिए एनीबडी कैन रिमूव दिस पार्ट ठीक है कुछ आबे ना এখানে এখন কিছু দেখা যাবে আর কি করব এখন এত তাড়াহুড়োর মধ্যে লিপস্টিকটা ঠিক করে দাও না आपने जल्दी करना है बस जो भी कर এটা পড়ে গেল পড়ে গেল এই লিপস্টিকটাও ঠিক করে দে তো পড়িয়ে দে পড়িয়ে দে পড়িয়ে দে ওদেরকে পড়িয়ে দে আর কাজল দেওয়ার দরকার নেই এখন চলো টাইম দিচ্ছে না স্টেজে আবার ভেতরে ঢুকে ওখানে ঠিক করে করিয়ে দিয়ে রান করাবো লিপস্টিকের বাক্সটা কোথায় লিপস্টিকের বাক্সটা দাও মধুমিতা আমি যখন ওখানে বিজি থাকবো তুমি এগুলো গুছোতে থাকবে ও ইয়ে উল্টা হয়ে গিয়া এসে কেনা এনিওয়ে ডু ইট নাও ওকে গ্লিটার দিয়ে দে আমান আমান इनको आप पीछे ले आओ यू कंप्लीट योर वर्क पीछे ले आइए ये हटा दीजिए कुछ लगबे ना तू चले जाओ ना टाइम दिच्छे ना एटा पोरे ना एटा पोरिए दे अरे यहां ले आओ कंप्लीट वर्क प्रॉपर्ली नाउ अब अमन ऐसे बोलते हो ना फटाफट खत्म कर दो 10 दिस इज फाइन ये उल्टा है ठीक है आ गया Just ramp it down. Come. No, no. Sorry.